जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठता है। हिसार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव पायल में देर रात को घर के रास्ते को लेकर विवाद हो गया और चचेरे भाई ने अपने ही भाई और भाभी को लाठी डंडों से इतना पीटा कि हमले में महिला पूनम की मौत हो गई और उसका पति रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में मृतक महिला के पति रमेश के बयान पर उसके चचेरे भाई फौजी अनिल, चाचा लीलू राम, चाची भेतरी देवी और अनिल की पत्नी रेनू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रमेश ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनका पंचायती रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। गांव की पंचायत ने हाल ही में दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता भी करा दिया था, लेकिन अचानक शुक्रवार की देर शाम को जब वो अपनी बकरियों को बाड़े में बांध कर आने लगा तो आरोपियों ने हमला कर दिया। ये जी शुरू से रास्ता का झगड़ा था जी। एक रास्ता में तीन घर पड़े जी। ये रास्ता बंद कर दिया जी ने, अनिल ने, अनिल की माँ ने, अनिल की बहू ने जी, लिल्लू तीनवा ने, चारवा ने जी। तो पंचायत का रास्ता था जी, हमने 15 दिन पहले इनका फैसला करा दिया था जी। इन्होंने फैसला इनकार कर दिया जी। ये फैसला एमा ने कर दिया जी हमारा। बोला फैसला हम अपना आप करेंगे, हमारा फैसला हमारे से होगा। ये जो अनिल लड़का था जी, ये जी फौज में लग रहा था, उन्होंने जी उसी दिन अनिल को बुला लिया जी घर पर। आज 10-12 दिन हो गए जी अनिल को आए ने। तो ये जिस तरह कल वाली रात जी अनिल रमेश का घर घुस गए जी। रमेश घर पर नहीं था जी, मतलब भेड़ चरावा जी, वो भेड़ चराने के लिए बाहर जा रहा था। तो उसकी माँ थी जी सुरेश की और सुरेश की बू थी जी रमेश की जी। तो रमेश के बू के साथ इन्होंने जो भी किया है वो मतलब न्यू तो पता नहीं जी, भाई कैसे क्या मारी है उसको, के चोट मारी है, तुम्हें खुआया पी है, जो भी है जी वो तो बाहर निकला है जी। रमेश अंदर बड़ा है जी, रमेश का इन्होंने गेट पर गुप लिया जी। रमेश को गुप के आपका घर ले गए जी, घर पर ले जाके फिर थोड़ा मारपीट की, फिर थोड़ा बाहर ले गए जी स्कूल की तरफ। उसका चोट फेट मारी है जी, वो भी गंभीर है जी, हॉस्पिटल में दाखिल है जी। पत्थरों से जी मारी है जी, पत्थरों से रमेश का भी चोट मारी है जी। उसका जो मतलब निशान तो है नहीं जी, वही गट्टी मौसी है, रस्से से बांध की, लत्ता से बांध की, जो भी करे है जी। वही मामले को लेकर पति रमेश के बयानों के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। शाम तक तकरीबन मैं थाना में हाजिर था, 8:30 बजे सूचना हुई मिली कि भाई गाँव पायल में लड़ाई झगड़े दौरान किसी की मृत्यु हो गई। जो सूचना पाकर मैं स्टाफ सहित मौका पहुंचे, उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी और वहाँ पहुँचने के बाद देखा तो एक लेडीज सुमन नाम की लेडीज, उम्र तकरीबन 32 साल, सुमन वाइफ ऑफ रमेश कुमार, एक चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। और दूसरे बारे में पता किया गया, कहने लगे भाई रमेश अनोक टेकचंद को चोटें लगी हुई हैं, उसको सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए करके गए। जो मौका घटनास्थल पर आसपास के व्यक्तियों से पूछा, पूछताछ करने पर उन्होंने बताया भाई यहाँ पर आज एक रास्ते को लेकर के लिल्लू राम, अनिल, लिल्लू की मिसिज बतेरी व अनिल की मिसिज के साथ झगड़ा हुआ था, रमेश, रमेश की मिसिज का, रमेश की माता का। इस झगड़े के दौरान इसके चोटें लगने बयान हुई हैं। उसके बाद अस्पताल में आकर के मजरूब रमेश के बयान अंकित किए गए थे। बयान के आधार पर धारा 302 के तहत FIR लॉज की गई थी। FIR लॉज तकरीबन सुबह 3:30 बजे FIR लॉज हुई थी। उसके बाद उस परिवार की तलाश जारी है। CIA की टीम, उच्च अधिकारियों दिशा निर्देश पर CIA की टीम, ABBT की टीम आरोपियों की तलाश में लगाई हुई है। पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हवाले करने के बाद मैं भी खुद आरोपी की तलाश में निकलूंगा। दरअसल ये पूरा विवाद पंचायती रास्ते को लेकर विवाद था। अनिल फौजी अभी हाल ही में घर छुट्टी आया था। पंचायती तौर पर दोनों पक्षों का समझौता भी करा दिया गया था, लेकिन अनिल और उसके परिवार के लोगों ने रमेश और उसकी पत्नी पर लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया, जिसमें हमले में रमेश की पत्नी पूनम की जान चली गई। हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।